अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द डे वन ऑफ दिस कैफ 9 वर्कशॉप। और बेटा टॉपिक है इसमें बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। मस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो ताकि आपकी जो एग्जाम टेक्निक्स है वो इम्प्रूव हो सके। आई विश यू गुड लक, नाउ वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। सैम सिद्दीकी, दैट्स अ वर्चुअल बैकग्राउंड। अच्छा सारे स्टूडेंट्स मुझे काइंडली जो है ना वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, I'll fix this issue first of all. मैं dual internet connection जो है वो साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, fix हो जाएंगी। अब बता दें स्टूडेंट्स, अब मेरी आवाज क्लियर है? जी जी क्या रिक्वेस्ट है? बिल्कुल बोले, व्हाट्स योर रिक्वेस्ट? ठीक है ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मेरी बात सुने यहाँ पर। एग्जैक्टली देखिए, मैंने जो ये वर्कशॉप अरेंज की है इसमें बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें देखिए जो हमारे टॉपिक्स हैं इस वर्कशॉप में वो है आपके पास ऑडिट रिस्क और सब्सटेंटिव। ऑडिट रिस्क एंड सब्सटेंटिव, मुझे ये बात बिल्कुल जो है पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर सब्सटेंटिव में प्रॉब्लम है। अच्छा मैं जरा 5 मिनट, 2-3 मिनट पहले बात करूंगा, उसके बाद जो है आई विल बी डिस्कसिंग कि हमने इसके एजेंडे में क्या काम करना है। देखिए पहली बात ये कि कुछ चीजें मैंने पहले से इसमें लिख कर रखी हुई है अपने इस नोटबुक में, और उसके बाद ये है कि मैं आपको सबसे पहले एक चीज का विजिट करवा दूं, एंड दैट विल बी द पास्ट पेपर्स कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट वी आर सपोज टू डू। ये फाइल मेरे पास ओपन हो रही है, मैं आपके साथ सबसे पहले वो फाइल शेयर कर देता हूँ, और वो फाइल आप लोग अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हो। जो क्वेश्चंस किए कहां से, आई विल टेल यू, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, इस वर्कशॉप में मैंने कुछ क्वेश्चन एसीसी के पिक किए हैं, कुछ कहीं और से, कुछ आपके आईकैप के पास पेपर से भी यहाँ पे सवाल जो है वो मैंने रखे हुए हैं। आप सबसे पहले ये अपनी स्क्रीन देखिएगा, ये मैंने आपके सामने जो है ना अभी स्क्रीन शेयर कर दिया, यू कैन सी। ठीक है, अच्छा अब आप ये जरा नोटिस कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 करके मैंने 10 क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे कंपाइल अप किए हुए। अब ये देखिए, ये कुछ केस है कहीं और से मैंने पिक किए हुए, और ये आपके पास ये कहीं और का क्वेश्चन है, ये जो आपको अभी इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये सब व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर देता हूँ, मैं लिंक आपको यहाँ चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर देता हूँ और वहां पर भी आपके पास मिल जाएगा। ये देखिए September 2018 का question number 4, ये आईकैप का पास पेपर है। अच्छा इसी तरीके से आप आगे बढ़े, March 2019 का question number 5, मैंने ये कोशिश की कि जो हमारे रीसेंट क्वेश्चंस हैं उसको एड्रेस किए जा सके। उसके बाद आप आगे बढ़े तो ये March 2019 का question number 3, उसके बाद आप स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़े, ये देखो ये बेटा ये सवाल 11 नंबर का बहुत जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। आपको बेसिक नॉलेज तो होगी, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या है इस वर्कशॉप के जरिए से बहुत सारी रीसेंट पास पेपर्स को जरा एड्रेस करना। ठीक है, उसके बाद आप चेक करें 2019 का अगेन कोई क्वेश्चन है, मार्च 2020 का क्वेश्चन है,
फिर सितंबर 2020 का, तो ये 10 सवाल जो है ना ये मैंने यहाँ पर रेडी रखे, क्योंकि बेसिकली इंटेंशन ये है कि यहाँ पर आपके पास पहली बात तो ये कि आपके पास सबसे पहले, मैंने स्क्रीन खुद यहाँ पे स्टॉप की हुई है, सबसे पहली बात तो ये कि आपका यहाँ पे जो एग्जाम फोकस्ड है वो एरिया होना चाहिए, उसके बाद जाके जो है हमने जस्ट अ मिनट उसके बाद जाके जो है हम लोगों ने यहाँ पर अपनी चीजों को एड्रेस करना। अच्छा देखिए, मैं बहुत सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे पहले आपको टॉपिकल एक थोड़ा सा रिकैप दूंगा। अच्छा देखिएगा, ये 2 दिन की वर्कशॉप है, दिस इज नॉट दी समथिंग जो कि हमने फ्रेश तरीके से पढ़ना है, इट्स अ वर्कशॉप, तो इसको वर्कशॉप वाले स्टाइल से ही लेकर चलेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज कैफ9 वर्कशॉप एंड ठीक है ना, मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह आप खैर क्या करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका रिस्क और सब्सटेंटिव का एरिया है वो कैफ9 के एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज रखता है। अच्छी वेटेज से मुराद ये है कि ये आपके पास होने के लिए भी तकरीबन जो है ना वो 50% यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाती है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्कशॉप जी। अच्छा एक चीज जो है मैं आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ड्राइव का लिंक भेज दूं जहां से आप ये अपने हैंडआउट को सेव कर सकते हो। ये ड्राइव का जो लिंक है स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को यहीं पे चैट बॉक्स पे ही शेयर कर देता हूं। स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग, इसलिए मैं थोड़ी सी बस बातचीत भी कर रहा हूं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप जो है स्टूडेंट्स सारे, ये मैंने आप अपना जो है ये वो चेक कर सकते हैं चैट बॉक्स, मैंने हैंडआउट का जो क्वेश्चन लिंक है वो सेंड कर दिया। जी जी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर भी शेयर कर देता हूँ। Just wait a minute. जी आदिल doing that on it. चले जी बेटा, अब फाइनली अब मैं करने जा रहा हूँ स्टार्ट। और बेटा ये तमाम चीजें जो है ये आपके पास हो चुके हैं। नाउ कम ऑन लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, वी हैव टू बी वेरी एग्जाम फोकस्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको जो है ना बेटा एग्जाम फोकस की जरूरत है। और इस एग्जाम फोकस जर्नी में हम लोग स्टार्ट करें, हमारा टॉपिक रिस्क असेसमेंट्स है, लेकिन बेटा वो सब बाद में, पहले मैं आपको हल्का सा रिकैप देता चलूं। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऑडिट साइकिल है और आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपकी ऑडिट साइकिल है इसमें होता है कि ऑडिटर अपॉइंट होता है, एंगेजमेंट लेटर बनता है, प्लानिंग फेज आती है। प्लानिंग फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है
आपका रिस्क असेसमेंट। अच्छा देखिए, हम सब ऑडिट से वाकिफ है, नेक्स्ट मंथ आपका पेपर एंड यू ऑल नो अबाउट दैट स्ट्रक्चर। तो खवातीनों हजरात, मौजिस वाले खवातीनों हजरात, सबसे पहली बात तो ये कि जब ऑडिटर अपने कोई काम को प्लान आउट करता है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है रिस्क असेसमेंट करना। क्या करना जी? रिस्क असेसमेंट करना। उसके बाद बेटा आपके पास ऑडिट परफॉर्म होता है, टीओसी, सब्सटेंटिव रिव्यू और फिर ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा बेटा यहाँ पर अब सबसे पहली बात तो ये कि रिस्क असेसमेंट में क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ चीजों को पहले से लिख के रखा हुआ है और जो आपके एग्जाम क्वेश्चंस है उसको मैं आपको साथ साथ लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट में दो तरह के रिस्क है, बिजनेस और ऑडिट रिस्क। अच्छा बिजनेस रिस्क जो है इसका मतलब क्या होता है? देखिए एक दो तरह की चीजें हैं, एक है कारोबार की ऑपरेशंस और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग चीजें हैं। एक आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और एक कारोबार का ऑपरेशन है। मैं आपको एक मिसाल दूं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ है, तो मेरे दिमाग में तो एक ये रिस्क आएगा कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ है, तो हो सकता है वो सामान जो है आपके पास खराब हो जाए, जिसकी वजह से वो माल बिकेगा नहीं, जिसकी वजह से वो माल बिकेगा नहीं, एज अ रिजल्ट हमारा माल जाया हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट बिना वजह इंक्रीज हो जाएगी। अब इस पूरे गेम में मैंने कहीं पर भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जिक्र नहीं किया। आपके पास बिजनेस रिस्क का बेटा क्वेश्चन आता है और बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द बिजनेस एक्टिविटी, प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट थिंक ऑफ द बिजनेस। आपने बिजनेस के बारे में सोचना है और बेटा आपके कैफ 9 के पेपर में एक सवाल आ सकता है कि आपको कहा जाएगा कि बिजनेस रिस्क लिखें। क्या लिखें? बिजनेस रिस्क लिखें। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपने जो बात करनी है बेटा वो किसके ऊपर बात करनी है? बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। अच्छा आई विल नॉट बी टू मच फास्ट बट आई विल बी ऑन अ फास्ट ट्रैक पेस, तो आप कोशिश ये करें कि आप मुझे मेरे साथ साथ कैचअप करें। और दूसरी बात ये है, साथ साथ कैचअप करने के साथ आप जो अपना मोबाइल फोन भी रेडी रखें, इफ समथिंग थोड़ा सा अगर मिस आउट होता है जस्ट टेक द स्नैपशॉट, सही है। अच्छा दूसरी बात बेटा कहने की ये है कि आपके पास बेटा ड्राफ्टिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए। देखें पेपर में ड्राफ्टिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए फॉर द बिजनेस रिस्क, आपने अपने आंसर में तीन बातों का जिक्र करना है, मैटर, रिस्क और उसका इम्पैक्ट। ये बात लाजमी आपने करनी है। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं स्क्रीन को अनशेयर करते हुए, आप ये देखें एग्जांपल, एग्जांपल आपके पास ये कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक नया कॉम्पिटिटर ओपन हो गया। अब मैटर क्या है? तीन बातें आपने जहन में रखनी है, मैटर, रिस्क और उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके कारोबार के ऑपरेशंस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं। तो मैं आपसे उर्दू में बात ये कर रहा हूँ कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक नया कंपेटिटर खुल गया है एंड इट क्वाइट मे बी पॉसिबल कि वो कॉम्पिटिटिव टूल यानी कि वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करे हमसे हमारा मार्केट शेयर लेने के लिए। और रिस्क ये है कि हम लोग उसकी कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटेजी को हम लोग उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हम कॉम्पीट ना कर पाए देन इट क्वाइट मे बी पॉसिबल कि हम अपना मार्केट शेयर लूज कर दें। अब देखो तीन बातें आपके पास ये है कि मैटर है, रिस्क है और आपके पास उसका इंपैक्ट है। मैटर है, रिस्क है और उसका इंपैक्ट है। मैटर क्या है? मैटर ये है कि सर नया कॉम्पिटिटर आ गया है। रिस्क ये है कि वो लोअर सेलिंग प्राइस कर दे और हम उसको कॉम्पीट ना कर पाए, एज अ रिजल्ट हम अपना मार्केट शेयर लूज कर देंगे। अच्छा बेटा स्टूडेंट्स के साथ मसला कहां पर आ जाता है कि शायद वो इम्पैक्ट नहीं लिख पा रहे होते। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और इम्पैक्ट बहुत ही जरूरी है। नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है वो भी बिजनेस ऑपरेशंस पे। इफ आई कैन जूम ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? अ न्यू कॉम्पिटिटर हैज एंटर्ड इन द मार्केट। बिजनेस रिस्क क्या है बेटा? सोल्यूशन चेक करें। सोल्यूशन में लिखा हुआ है A new competitor has entered in the market. ये मैटर है, सवाल में भी लिखा हुआ है, आपने कोई मेहरबानी नहीं की है लिख के, सही है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? And there is a risk that new competitor will reduce the selling price to capture the market share and company may not respond to competitive strategies. And failure to do so may result in the loss of market share. और अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो इसकी वजह से आप अपना मार्केट शेयर लूज कर देंगे। क्या लूज कर देंगे जी? मार्केट शेयर। बेटा ये हुआ आपके पास तीन चीजें कि आपने जब कभी भी बिजनेस रिस्क को ड्राफ्ट करना है, किसको ड्राफ्ट करना है जी? बिजनेस रिस्क को। तो बिजनेस रिस्क को ड्राफ्ट करने के लिए काइंडली ये तीन चीजें आप अपने जहन में रखें कि आपने क्या चीजें लिखनी है जी। आपने मैटर लिखना है, आपने रिस्क लिखना है, आपने नेगेटिव इंपैक्ट लिखना है बिजनेस के ऊपर। और रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब होता है क्या गलत हो सकता है। आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो गिरने का रिस्क है ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। तो भाई आपने ये चीज सोचनी कि कारोबार पे क्या बिजनेस रिस्क आ सकता है आपके उस एक्टिविटी की वजह से। ये हुआ आपका ड्राफ्टिंग स्टाइल। डोंट यू पीपल वरी, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा स्लो भी रहूंगा। इफ यू पीपल वॉन्ट टू कैप्चर इट, प्लीज स्क्रीन को कैप्चर कर ले, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले से लिखी हुई है, मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखी हुई थी ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी जाए और हम जल्दी से सवालात के ऊपर आ सके, उनको हम लिख सके। आई एम वेटिंग जस्ट फ्यू सेकेंड्स, प्लीज टेक द पिक्चर ऑफ दिस ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा चैट बॉक्स पे आने के लिए। बस आप इसको साथ साथ जो है ना वो कैप्चर करते रहे। नाउ आई एम वेल अज्यूमिंग दैट यू पीपल हैड कैप्चर्ड दिस थिंग। अच्छा अब बेटा आगे प्रोसीड कर रहे हैं और ये जरा देखिएगा आगे। बेटा आपके पास ROMM, जिसको आप कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मैं इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क की डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपकी इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क की डेप्थ में नहीं जा रहे, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ एग्जाम को क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका सीख रहे हैं। बेटा मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं गलत बयानी। IAS कहता है रिसर्च को एक्सपेंस करें, डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करें कुछ शर्तों के बाद। अगर आपने वाइस वर्सा या दोनों को कैपिटलाइज कर दिया तो आपने IAS की खिलाफ वर्जी की, कानूनी खिलाफ वर्जी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। उसको हम लोग कहते हैं मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दो रीजन है, एक तो एक्टिविटी की नेचर, प्रॉब्लम्स इन द कंट्रोल। हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, मैंने फिर कहा था हम लोगों ने जाना है क्वेश्चंस के हैंडआउट्स पे, हमने आंसर ड्राफ्टिंग के ऊपर जाना है। अच्छा बेटा इसके बाद बारी आई थी दिस वन। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आई ना, ड्राफ्टिंग आंसर ऑफ ROMM। बेटा आपके क्वेश्चन में, आपको एग्जाम क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट रिसीव होगी या हो सकती है, और उसमें लिखा जाएगा कि एक्सप्लेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क लिखने के लिए प्लीज चार बातें अपने जहन में रखिएगा। एक तो मैटर, ना भी लिखेंगे चलेगा। दूसरा है करेक्ट अकाउंटिंग, ये आपको लाजमी लिखना है कि IAS इसके मुतालिक क्या कहता है, IAS साहब क्या फरमाते हैं, ये आपको लिखना जरूरी है। और रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट मैं आपको लिखाऊंगा अभी आइंदा, मैं आपको भी खुद भी लिखाऊंगा अभी अपकमिंग क्वेश्चंस में। रिस्क ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग लाजमी लिखना है, और उसका इंपैक्ट। अब इंपैक्ट आ गया किसके ऊपर जी? इंपैक्ट आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इंपैक्ट किसके ऊपर आ गया जी आपके पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। बेटा अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं लिखा तो मसला हो सकता है जी। अगर आपने इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं लिखा तो मसला हो सकता है। एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अकाउंटिंग होती है और एक उनकी अजर्शंस होती है। अकाउंटिंग और अजर्शंस, अगेन हम अजर्शंस की इन डेप्थ में नहीं जा रहे, दिस इज दीज आर दी अजर्शंस। वी ऑल नो अकाउंटिंग और अजर्शंस के ऊपर हमने जाना। चार बातें, मैटर, करेक्ट अकाउंटिंग, रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट और उसका इंपैक्ट आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्या वो आपने लाजमी लिखना है। बेटा इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, आप ये चेक कीजिएगा, छोटी सी एग्जांपल। कंपनी के पास टू मच एंडिंग स्टॉक है जिस पे IS2 लग रहा है। मैं स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप यहां पे पहले सुने। IS2 क्या कहता है? IS2 कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर रिकॉर्ड करो। रिस्क क्या है आसान लैंग्वेज में बताऊं? आपको रिस्क सोचने के लिए रिस्क नहीं सोचो, आप अकाउंटिंग सोचें। अकाउंटिंग क्या कहती है IS2 की? कि आप इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर लेके जाओ। रिस्क क्या है? उलट कर दो, कि हो सकता है आपने हायर पे रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब आप सोचें, IS2 कहता है लोअर पे, तुमने हायर पे रिकॉर्ड कर दिया, इसकी वजह से इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हो जाएगी, इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाएगी। अब आप ये चीजें चेक करें बेटा क्या लिखा हुआ है।
इसमें बेटा लिखा है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड हैज टू मच एंडिंग स्टॉक, बहुत ज्यादा मिकदार में है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, IS2 रिक्वायर्स टू वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। लंबी नहीं करनी है, कंसाइज वे में बताना है आपने कि IS2 क्या कहता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। रिस्क क्या है, देयर इज द रिस्क ऑफ हायर वैल्यूएशन, और अगर आपने हायर वैल्यू किया तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट क्या आएगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो बेटा अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंपैक्ट नहीं लिखा तो मसले में आ जाओगे, ठीक है ना, मसले में आ जाओगे। तो चार बातें याद रखे, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने दोनों ट्विन पेजेस ओपन कर दिए। इफ यू वॉन्ट टू टेक दैट स्क्रीन शॉट डू इट फास्ट एंड आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स माई हैंड आउट। एग्जैक्टली वो उसका एक काउंटर इफेक्ट है कि जब आप अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, वो उसका काउंटर इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हो कि इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से जो है आपके प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएंगे, आप ये काउंटर इफेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन इट इज अ काउंटर इफेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो इन्वेंट्री है, इसलिए मैंने काउंटर इफेक्ट नहीं लिखा। इसी तरह आपको लिखना है बस रिस्क का लेवल इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा नाउ बेटा आई एम अज्यूमिंग, यस एग्जैक्टली, अजर्शंस याद रखनी है आपके जहन में, अजर्शंस होनी चाहिए। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव कैप्चर्ड इट एंड आई विल बी प्रोसीडिंग आफ्टर फ्यू सेकंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स अब इसको भी गौर से देखें। बेटा एक होता है आपके पास डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क ये होता है, एक रिस्क है कि ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, हम किसकी डेप्थ में जाएंगे, क्वेश्चंस की डेप्थ में जाएंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि अब मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूं हमारे हैंडआउट का रेफरेंस दे रहा हूं बेटा। और सबसे पहली बात बेटा, हैंडआउट मैंने शेयर किया आपकी स्क्रीन पे और आप लोगों को मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दिया आपके चैट बॉक्स में। इफ यू पीपल वांट मी टू शेयर इट वंस अगेन सो दैट बेटा आई एम शेयरिंग इट वंस अगेन। कुछ बच्चे आ रहे जा रहे हैं जो भी है बेटा, मैं इसको लिंक को दोबारा मैंने शेयर कर दिया एंड यू पीपल कैन फ्रीली डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिंक विच आई हैड शेयर्ड जस्ट नाउ। अब बेटा यहां पर आप चेक करें, सवाल में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द बिजनेस रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ROMM फ्रॉम द अबव केस। बेटा इस केस में से आपको दो चीजें लिखनी है, बिजनेस रिस्क क्या है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिस्क। बेटा इस लिंक को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो है वो शेयर कर देता हूं। चले जी बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे बस, नाउ फाइनली बेटा, नाउ वी आर प्रोसीडिंग, बेटा वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स द क्वेश्चन। नाउ बेटा नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन और देखें क्या लिखा हुआ इसमें। चलो जी बच्चों, इसमें लिखा है एबीसी लिमिटेड हैड अ मशीन which is not performing well as it was supposed to be performed as was in the last year and company had sold the goods on credit basis more than the last year.
बेटा यहाँ पे आपको बिजनेस रिस्क भी बताना है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स भी बताना है। अब बेटा अब पता है क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप बेटा ये बात कर सकते हो कि आप दो कॉलम्स बना लो, जैसा एक अटेम्प्ट में एक पेपर आया था बेटा, आप दो कॉलम्स बना सकते हैं, एक तरफ बिजनेस एक तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क। अनस इसके बारे में मैं आपको कल बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा अबाउट दैट रिकॉर्डिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्ट्रॉन्गली एनकरेज टेक दिस सेशन लाइव। रिकॉर्डिंग्स का मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा, यू कैन टेक्स्ट मी और आप मुझे ग्रुप पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। चले जी, अब बेटा अब हम प्रोसीड कर रहे हैं विदाउट मोर डिस्कशन, नाउ जंप ऑन द क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले देखो बिजनेस रिस्क और रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। बेटा हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर वन, मैं यहाँ पे बेटा दो कॉलम्स बना रहा हूं, दो कॉलम्स बना रहा हूं बेटा, दो कॉलम्स, एक तरफ आप कॉलम बना देना बिजनेस रिस्क। सारे बच्चे शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ लिखिएगा, अपनी स्पीड को फास्ट रखें, अपनी स्पीड को फास्ट रखें। और बेटा दूसरा है आपके पास आर ओ एम एम, यानी के रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, सही है बेटा, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा जी, चलो जी बेटा सबसे पहले हम लोग ये काम ये करते हैं, आते हैं बेटा हमारे नंबर वन केस पे। बेटा नंबर वन क्या है, मुझे यहाँ पे दो मसले नजर आ रहे हैं हमारे मसलों में। एक तो मसला ये कि मशीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। बेटा अब यहाँ पर रिस्क ये है, आपकी मशीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, रिस्क ये है कि जो पुअर जो आपके फिनिश गुड्स है वो पुअर क्वालिटी के आ जाए, जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ सकती हैं और आपकी फ्यूचर सेल ड्रॉप हो सकती है, ये आपका बिजनेस रिस्क है। बेटा बिजनेस रिस्क लिखने के लिए मैंने आपको तीन बातें याद दिलाई हैं, और इफ यू पीपल वांट टू बेटा रिमेंबर दिस ड्राफ्टिंग स्टाइल, बेटा ड्राफ्टिंग स्टाइल मैंने कहा बहुत मैटर करता है ड्राफ्टिंग स्टाइल। बेटा ये चेक करो, मैटर, मैटर के साथ रिस्क और उसका नेगेटिव इंपैक्ट लिखना है आपको, किसमें, कारोबार के ऊपर इंपैक्ट लिखना है, बिजनेस रिस्क, सही है बेटा। अब हम चल रहे हैं इसके आंसर पे। बेटा सबसे पहली बात, आपकी जो मशीन है वो खराब हुई है, नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो बेटा हम क्या लिखेंगे कि जो मशीन है, मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एज इट शुड, ठीक है बेटा। ये हो गया मैटर, ये लिख के मैंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। बेटा मशीन अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है जी, एग्जैक्टली तो बेटा इसका रिस्क क्या है कि जब मशीन ही खराब है तो फिनिश गुड्स भी खराब आ सकते हैं। तो बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ पुअर क्वालिटी आउटपुट यूनिट्स, ये रिस्क है। एंड ऑल्सो बेटा टाइम कंज्यूमिंग, जब मशीन खराब हुई है तो थप्पड़ मार मार के आप उसको चलाओगे ना, तो ये बेटा यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। और बेटा अगर अगर आपके पास पुअर क्वालिटी के आउटपुट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ सकती है, फ्यूचर में सेल ड्रॉप हो सकती है। तो बेटा इफ देयर विल बी पुअर क्वालिटी, देन इन फ्यूचर सेल्स कैन बी ड्रॉप्ड या सेल्स कैन बी डिक्लाइंड एंड मोर कस्टमर कंप्लेंट्स। बस बेटा ज्यादा लंबी हम नहीं करेंगे, ये हुआ बेटा आपके पास बिजनेस रिस्क। अच्छा अब बेटा मुझे एक बात बताएं, एग्जैक्टली बेटा अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक मशीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आपके जहन में IS-36 आना चाहिए कि तो इंपेयर हो गई है मशीन, तो बेटा इंपेयर हो गई है। अब आप ये चेक करो, जब मशीन अच्छा काम नहीं कर रही तो बेटा इसको हम लोग हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इंपेयर हो गई है, और इंपेयरमेंट के ऊपर IS-36 लगता है। और IS-36 क्या कहता है बेटा, IS-36 ये कहता है कि आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है जब कोई इंडिकेटर नजर आए, ये इंडिकेटर है,
ये आपके पास क्या है जी, इंडिकेटर है। IS-36 कहता है कि आपको इंडिकेशन करनी चाहिए। तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मशीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो बेटा ये आ जाएगा IS-36 के कंटेक्स्ट में। अब यहां देख रहे हो, यहां पे सिर्फ मैंने बिजनेस रिस्क लिखा है, कारोबार पे क्या ऑपरेशन पड़ेगा, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एक अलग चीज है। यहां पर बेटा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोचना है, किसका सोचना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब यहां पे मैटर, ये सुनो बेटा, ये मैटर लिखने की कोई इतना खास जरूरत भी नहीं है। आप अगर यहां से भी शुरुआत करते हो ना करेक्ट अकाउंटिंग और रिस्क से, बेटा IS-36 क्या कहता है कि अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो जो डिफरेंस आता है वो इंपेयरमेंट लॉस कहलाता है, ऐसा ही है ना। तो बेटा अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको IS-36 का रिकैप भी देता चलूं कि IS-36 क्या कहता है कि अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट है तो बेटा ये हो जाता है आपके पास इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। और बेटा इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या बनती है, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये आपकी एंट्री बनती है। और बेटा ये जो चीज है ना, ये चीज इसको हम लोग कहते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट करना। अब कोई बंदा बिला वजह कोरोना का टेस्ट तो नहीं कराएगा ना, जब अलामत जाहिर होंगी तभी टेस्ट कराता है। अब बेटा यहां पर क्या है कि आपके पास इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे बेटा, इंपेयरमेंट टेस्ट होता है व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स, व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स। और बेटा दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है। बेटा ये आपके पास एक इंटरनल इंडिकेटर है। अब इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे, बेटा मैं इसका आंसर ड्राफ्ट करने पे जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, IS-36 ये कहता है कि जब आपके पास अंदेशे नजर आए, मतलब when there are symptoms, then you have to carry out the impairment test. रिस्क क्या है कि आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं की है जिसकी वजह से एक्सपेंस कम और प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा। तो बेटा यहां पर क्या कह रहे हैं कि डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। बेटा मैं जूम करके अपना आंसर लिख रहा हूं और आप बेटा प्लीज थोड़ा सा फास्ट वे में चले मेरे साथ। बेटा मेरा आंसर क्या है, डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ मशीन इज द इंटरनल इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट एज पर IS-36। सर अगर पेपर में IS-36 का नाम भूल गए तो ना लिखो, लेकिन गलत नहीं लिख देना, मन गलत IS-42 बिला वजह का ना लिख देना, होम मेड IS का नाम नहीं लिखना, जो है वही लिखना है, सही है, एज पर IS-36। और बेटा एंड इंपेयरमेंट टेस्टिंग शुड बी डन, एंड इंपेयरमेंट टेस्टिंग शुड बी डन, ठीक है बेटा। अब रिस्क क्या है, देर इज अ रिस्क दैट इंपेयरमेंट टेस्ट आपने किया ही नहीं है, और अगर आपने इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं किया तो नतीजा क्या होगा, एक्सपेंस कम प्रॉफिट ज्यादा और एसेट भी ज्यादा। देर इज अ रिस्क दैट इंपेयरमेंट टेस्ट वॉज नॉट कंडक्टेड, एज अ रिजल्ट। बेटा अब आप ये बताए इसका इंपैक्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट, वो रिस्क ही नहीं है जिसका इंपैक्ट ना हो। भाई मैं आपको बोलूं ये प्रोडक्ट मत खरीदो, ओ भाई क्यों नहीं खरीदो, नुकसान बताओ ना आप, तो आपने नेगेटिव का इंपैक्ट जरूर बताना है। तो बेटा एज अ रिजल्ट एक्सपेंस कैन बी अंडर स्टेटेड एंड एसेट एंड प्रॉफिट टू बी ओवर स्टेटेड। ठीक है बेटा, ये हुआ आपके पास रिस्क। अब मेरी बात सुने खवातीनों हजरात, ये तो मैंने आपको IS-36 की एक झलक दिखाई थी ना, तो लेकिन बेटा ये आपका बिजनेस रिस्क है और ये इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिस्क है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, FAR 2 को FAR 1 FAR 2 को रिकॉल करना पड़ता होता है। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका आंसर। आई होप थोड़ी सी बात आपके जहन में बैठी होगी कि किस तरीके से हमने ये काम करना है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स इफ यू पीपल वांट टू टेक द पिक्चर और राइट, बट आई विल प्रिफर कि आप मेरे साथ साथ लिखते रहे। मैं स्टिल बेटा थोड़ा सा वेट कर जाऊंगा अपने हिसाब से,
अपने हिसाब से वेट करूंगा फिर आगे बढ़ दूंगा। जी उसामा, उसामा सिद्दीकी आपने सही कहा, मैं अपने हिसाब से फ्यू सेकंड्स वेट कर जाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बिकॉज दिस इज रिफ्रेशर, दिस इज रिफ्रेश क्रैश नॉट फ्रेश, इट्स अ वर्कशॉप। चलो जी बेटा, ये हुआ आपके पास, लेकिन बेटा जो रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स है टीएसए के, अभी बेटा जो भी आपने ग्रुप की फरमाइश की, शायद आज नहीं हो, ये परसों हो। अच्छा बेटा, ये क्रैश दो, ये वर्कशॉप दो दिन की, एक आज है और एक संडे को सेम टाइमिंग 9:30 बजे। उसका लिंक मैं अगेन शेयर कर दूंगा इसी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा। बेटा लाजमी वो भी अटेंड कीजिएगा, मैंने आपको इसीलिए एडवांस में क्वेश्चन भेज दिए क्या क्या हमने पढ़ना है। चले बेटा आगे प्रोसीड करते हैं। इसी के साथ बेटा यहाँ पर एक और रिस्क है, और अगर आप वो एक और रिस्क चेक करें बेटा, वो क्या है आपके पास, एक और रिस्क है आपके पास, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी कंपनी ने गुड्स ज्यादा से ज्यादा उधार पे बेच दिए। अब बेटा जब आप किसी को, जी मोनिस मैं वो बिल्कुल सब्सटेंटिव पे मोनिस जब आऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा सुने बच्चों, सबसे पहली बात यह कि आपने कस्टमर्स को ज्यादा उधार दिया पिछले साल से ज्यादा। यार मुझे एक बात बताएं, अगर आपने कस्टमर को पिछले साल से बहुत ज्यादा उधार दे दिया है यार, तो मुझे एक बात बताओ, पिछले साल से ज्यादा उधार दे दिया है कस्टमर्स को, क्या नुकसान होगा भाई? नुकसान ये होगा, इतनी उधारी अगर आप लोगों को दे रहे हो तो मेरे पास कैश नहीं है। बिजनेस रिस्क क्या है, मैं लोगों में उधारियां बांट रहा हूं, खुद के पास कैश नहीं है, फिर जाऊंगा रोते रोते बैंक के पास, भाई कर्जा दे दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और दूसरा, जिन लोगों को आप उधार दे रहे हो वो बैड डेट भी तो हो सकते हैं, वो लेट पेमेंट भी तो हो सकते हैं। आप किसी को उधार दो, कॉल करो, वो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा, उठा के काट देगा कॉल, यार उसको पैसे नहीं देने, तो ये वाली चीज हो सकती है, तो आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटा यहाँ पर बिजनेस रिस्क क्या होगा, बेटा बिजनेस रिस्क क्या होगा, ये हमने यही क्वेश्चन बेटा कंटिन्यू चल रहा है, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बेटा मोर मैटर जितना कम हो उतना कम लिखें, रिस्क पे ज्यादा फोकस करें। बेटा मोर क्रेडिट सेल्स वर मेड एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर, ठीक है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ज्यादा उधार देने का रिस्क क्या है? बेटा रिस्क यहां पर बन सकता है कि देयर मे बी द रिस्क ऑफ बैड डेट कॉमा लेट पेमेंट्स रिजल्टिंग इन। अच्छा ये पेपर में आप अलग अलग कलर यूज करके गोला गंडा नहीं बनाना, एक ही कलर से आप लिखना है, मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज है। बेटा एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट देयर कुड बी कैश फ्लो प्रॉब्लम। टू द कंपनी एंड ऑल्सो increasing the interest burden if needed loan due to cash shortage, ठीक है बेटा ये हमने लिख दिया क्या चीज है, ठीक है। अच्छा बेटा अब मुझे एक बात बताएं, अब यहां पर बेटा मसला ये, जितने सवाल में आपको निकाल सको रिस्क उतनी इंफॉर्मेशन हो, आपको नंबर भी बता देंगे, जैसे इस सवाल के नंबर 5 होंगे तो आपको 2 लिखने इस तरह। अच्छा बेटा अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर लिखा है आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं, बेटा ये सब्जेक्ट मैटर है ना, गुड्स आपने क्रेडिट पे बेचे हैं। बेटा क्रेडिट सेल जब भी होती है ना तो डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए बेटा, डाउटफुल डेट का प्रोविजन। हो सकता है आपने प्रोविजन ना बनाया हो, बेटा यहां पर आपके पास क्रेडिट सेल्स है तो क्रेडिट सेल में बेटा डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनता है,
डाउटफुल डेट का बेटा क्या बनता है? प्रोविजन। अब बेटा रिस्क ये है कि आपने डाउटफुल डेट का प्रोविजन नहीं बनाया, जिसकी वजह से प्रोविजन अंडर स्टेट हो जाएगा। प्रोविजन क्या हो जाएगा? अंडर स्टेट, और आपके रिसीवेबल्स कैन बी ओवर वैल्यूड। नहीं, अभी आप IFRS 9 पर ना जाओ, क्योंकि यहां पर फिलहाल बैड डेट हुआ नहीं है, तो हम वहां पर नहीं लेके जा रहे। बेसिक FAR 1 पे अगर आप रहो कि डाउटफुल डेट की प्रोविजन एंट्री बननी चाहिए, तो बेटा यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? इंक्रीजिंग। बेटा ये चीज आप नोटिस करो, इन सब का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आने वाला है। बेटा इंक्रीजिंग द क्रेडिट सेल्स शुड ऑल्सो इंक्रीज द डाउटफुल डेट प्रोविजन। बेटा इफ इट वॉज नॉट इंक्रीज, ये जो है ना इफ, यार ये इफ अपने आप में रिस्क ही है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो रिस्क है। तो बेटा इफ इट वॉज नॉट इंक्रीज्ड then provision can be understated, and overstated receivables। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि जब हम ये चीजें लिखते हैं तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सोचते हैं। जब हम बेटा ये चीजें लिखते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो बेटा और वो बिजनेस रिस्क के कारोबार के बारे में। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, किसी जगह के कोर्स से मैंने ये मैटर उठाया, टाइप करके आपको सिखाना है। मकसद ये है कि रिस्क और सब्सटेंटिव लिखते वक्त यू हैव टू स्विम इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू माई टाइम स्पैन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये हो गया। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट जर्नी। बेटा अब आप सबसे पहली बात, ये सारे बच्चे चेक करें। बेटा एक ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपके पास आया है, एक्सप्लेन द रिस्क एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। अब बेटा ऑडिट प्रोसीजर्स को बताने से पहले थोड़ा सा एक काम रिकैप करते हैं, जो पहले से लिखा हुआ नहीं है, आपको बेटा साथ साथ लिखना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं सब्सटेंटिव के ऊपर। बेटा एक हेडिंग लिखिएगा सारे बच्चे, ये एक इंटरनेशनल मसला है सब्सटेंटिव लिखने का स्टूडेंट्स के लिए। बेटा एक हेडिंग लिखिएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। बेटा सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने का मैं आपको एक बात बताऊं, उसका मतलब होता है टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिटेल्ड मैनर। और बेटा एक चीज है, अगर आपको इसके बारे में बेटा लिखना है ना, इसके बारे में अगर आपको इसके बारे में लिखना है बेटा, मैं आपको एक भाइयों वाला मशवरा बताऊं सबको, आप सब्सटेंटिव लिखना है ना, तो बेटा मैं ये बोलता हूं कि आप लोग सिर्फ एक ही चीज सोचो, एक ही चीज, अकाउंटिंग। ऑडिट नहीं सोचना। ऑडिट बच्चा फंसता पता है क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट डेडुशारी में ऑडिट प्रोसीजर सोचने की कोशिश करता है। भाई मैं प्रोसीजर लिख लूंगा, मैं ये मैं वो। ओ भाई नहीं, अकाउंटिंग सोचें और अकाउंटिंग को ट्रेल पे फॉलो करने की कोशिश करें। अकाउंटिंग में क्या होता है, डीप में जाएं। मैं आपको आज की क्लास में ये चीजें सिखा रहा हूं और ये हमारी जर्नी है। अच्छा बेटा, आपने क्या चीजें सोचनी है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग सोचनी है। क्या सोचनी है बेटा? अकाउंटिंग सोचनी है। अच्छा आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं थोड़ा सा।
बेटा आपकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और उसकी होती है अजर्शंस। क्या होती है बेटा? अजर्शंस। अब जाहिर सी बात है अजर्शन अभी मैं इस वक्त थोड़ी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो तो सबको पता है क्या होती है। बेटा अजर्शन जो है आपके पास अजर्शन, बस हाँ दो एरियाज में मैं आपको स्प्लिट कर देता हूँ। बेटा आपको मैंने बताया था एक होती है अजर्शन इनकम स्टेटमेंट की और एक होती है बेटा बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की अजर्शंस होती है। मैंने आप लोगों को कभी पहले एक चीज बताई थी रेगुलर क्लास में कि अजर्शंस क्या होती है। ओके नाउ बेटा इनकम स्टेटमेंट की अजर्शंस क्या होती है? बेटा मैंने आपको अजर्शंस बहुत पहले सिखा दी थी। अच्छा इनकम स्टेटमेंट की अजर्शन, यार मैंने आपको क्या निमोनिक बताया था? CA CA कवर पी। आपको क्या निमोनिक बताया था बेटा? CA CA कवर पी, ठीक है ना। अब उसकी एब्रीवेशन पे कहाँ जाए बेटा, बच्चे कोई कंफ्यूज ना हो जाए। सिंपल है बेटा, यहां पर कंप्लीटनेस है, यहां पर भी कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस, फिर है बेटा एलोकेशन, इधर भी एलोकेशन होती है। क्लासिफिकेशन, इधर भी क्लासिफिकेशन होती है। एक्यूरेसी, इधर भी एक्यूरेसी होती है। यानी के CACA, ठीक है बेटा, CACA कवर पी। अच्छा बेटा पी फॉर यहां पर प्रेजेंटेशन आती है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा द लेआउट। ये हो गया बेटा तुम्हारा पी, CACA कवर पी। अच्छा उसके बाद बेटा क्या आता है? कवर। सी फॉर कट ऑफ। बेटा यहां पर आ जाएगा आपके पास कट ऑफ और अकरेंस, यानी कि CO। और उसके बाद बेटा वी वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस और राइट एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है बेटा। ये आ गया तुम्हारे पास VER। यार अब जिस तरीके से आपको याद रखना है अजर्शन इनकम स्टेटमेंट की कौन सी है, बैलेंस शीट की कौन सी है, बेटा आपके सामने तस्वीर लो, जो करना है जिसको करें। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर जब भी कोई आपके पास सब्जेक्ट मैटर आता है तो बेटा आपने सबसे पहले उसकी अकाउंटिंग और उसकी अजर्शन सोचनी है कि ये कौन सी जगह की आइटम है। बैलेंस शीट की आइटम है तो बैलेंस शीट की अजर्शन पे फोकस करो, इनकम स्टेटमेंट की है तो इनकम स्टेटमेंट की अजर्शन पे फोकस करें। अब बेटा एलोकेशन क्या है, कंप्लीटनेस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब बच्चों को पता है पहले से, ठीक है। अब ये तो कोई सरप्राइज नहीं है ना बेटा, अजर्शन जहन में नहीं है तो सबके जहन में होनी चाहिए अजर्शन। नाउ बेटा अब मैं आपके सामने एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना बेटा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास है बेटा। सबसे पहले हम वो सवाल देख लेते हैं उसमें क्या है, फिर उसकी हल्की सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। बेटा जरा ये चेक करें, आपके पास एक बड़ा बेहतरीन सवाल है, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिस्क एंड डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क और ऑडिट प्रोसीजर। अब वेट कर जाए, वेट कर जाए बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है, सॉरी ड्राफ्टिंग रिवाइज करनी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए बेटा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए आपको ड्राफ्टिंग क्या करनी है? हम पहले एक काम करते हैं, मैं इसको भी छोड़ देता हूं। एक काम करो बेटा, सारे बच्चे इसको भी छोड़ दें, पहले लिखो जरा बेटा ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि बेटा आपको ISA 500 में आपने पढ़े थे, ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड इफ यू पीपल वॉन्ट टू चेक द निमोनिक, बेटा एक निमोनिक आपको क्लास में बता दिया गया था, कायरो इजिप्ट का कैपिटल है। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है ये निमोनिक, ठीक है। ये मैंने खुद नहीं बनाया, किसी टीचर ने खुद नहीं, ये किसी ना किसी किताब में कायरो लिखा हुआ है, ACCA की GTG की बुक में ये निमोनिक लिखा था। ऐसे निमोनिक यार याद रखने के लिए, कायरो I3R2। अब बेटा मेरी बात सुनो, सी का मतलब आ जाता है कॉन्फर्मेशन, मेरा मतलब है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन।
ए का मतलब आ जाता है बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। आई के तीन हिस्से तोड़े बेटा, आई के तीन हिस्से तोड़े, एक दो तीन। आई का बेटा एक मतलब होता है इंक्वायरी, सवाल जवाब करना क्लाइंट के स्टाफ से। एक होता है बेटा इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और एक होता है बेटा इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, ठीक है। आर में दो चीजें टूट रही है बेटा, एक आता है रीकैलकुलेशन और एक आता है बेटा री परफॉर्मेंस, और ओ का मतलब होता है बेटा इस तरह ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा। ये आठ प्रोसीजर्स हैं आपके पास, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है बेटा। और ये तुम्हारे सामने पीछे ये मैंने निमोनिक सीएसीए कवर पी जो आप लोगों के लिए जनरेट किया था, एसीसीए की एक बुक में एसीसीए कवर पी था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैंने सीएसीए कवर पी कर दिया। तो बेटा कहने का मकसद ये निमोनिक्स कहीं ना कहीं बुक में शॉर्टकट्स लिखा होता है याद रखने के लिए। अब बेटा अजर्शन और प्रोसीजर का रिश्ता चलता है, प्रोसीजर अजर्शन, प्रोसीजर अजर्शन, प्रोसीजर अजर्शन। इफ यू पीपल वॉन्ट टू टेक दैट स्नैपशॉट प्लीज डू इट फास्ट एंड डू इट नाउ, आई एम वेटिंग जस्ट 30 seconds एंड आई विल प्रोसीड। हरी अप, चले जी। नहीं 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 चलो बेटा, अब एक स्टूडेंट की ख्वाहिश आई है कि सर रीकैलकुलेशन और री परफॉर्मेंस भी बता दे क्या है। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जरा गौर से तवज्जो के साथ सुनना बेटा। रीकैलकुलेशन का मतलब क्या है, एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 2 + 2 = 4, आपने कैलकुलेटर उठाया, आपने क्या 2 + 2 = 4, ये हो गया बेटा रीकैलकुलेशन, ये क्या हो गया रीकैलकुलेशन, ठीक है। अब सपोज करो ये 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, ये डायरेक्ट मटेरियल था, ये डायरेक्ट लेबर था, और ये इन्वेंटरी की कॉस्ट है, कहां से आई। अब आपने पूरी डीएम की फीफो की शीट खोली, लेबर को पूरा परफॉर्म किया, ये कहलाएगा रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस में ये होता है कि आप वो ऑपरेशन खुद से परफॉर्म करते हो, वो काम खुद से करते हो, और मैनेजमेंट के काम के साथ बेटा आप उसको कंपैरिजन कर लेते हो। और रीकैलकुलेशन में आप सिर्फ कैलकुलेटर उठा के एक्यूरेसी को चेक करते हो, ठीक है। नाउ नाउ बेटा अब मैं आ रहा हूं ड्राफ्टिंग द आंसर फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का बेटा आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, बेटा आप लिखोगे यहां पे प्रोसीजर, क्या लिखोगे बेटा प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या बेटा कायरो, फिर बेटा साथ साथ आ जाएगी सोर्स, मतलब एविडेंस किधर से मिलेगा, और बेटा साथ साथ आ जाएगा पर्पस, पर्पस होता है बेटा वेरीफाई करना अजर्शन और अकाउंटिंग को, अजर्शन और क्या करना बेटा अकाउंटिंग को। और बेटा अजर्शंस क्या है, सीए कवर पी, ठीक है बेटा। अब उसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की अजर्शन को जरा आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि वो क्या चीज है, ठीक है। आपने प्रोसीजर सोर्स और पर्पस लिखना होता है, प्रोसीजर सोर्स और पर्पस, चलो बेटा। अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूं कि एबीसी लिमिटेड हैड परचेज अ प्रोडक्ट
एट ₹50। तो बेटा अब जरा सुने, आप यहाँ पर प्रोसीजर लगाओगे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा बेटा कई प्रोसीजर लग सकते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आपने यहाँ पर बेटा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट ₹50 की लेकर आया हूँ, तो बेटा आप देख लेना, इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट द इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर। बेटा ये हो गया प्रोसीजर और सोर्स। अच्छा प्रोसीजर और सोर्स को इकट्ठा ही मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो प्रोसीजर क्या, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का नाम क्या, इनवॉइस। इनवॉइस बेटा हमारे लिए एक सोर्स है, ये हमारा प्रोसीजर है, और हमारा मकसद क्या है बेटा, टू वेरीफाई द कॉस्ट वैल्यू ₹50। ये क्या है बेटा, ये हमारी अजर्शन है, ये हमारी अजर्शन है, ठीक है बेटा, ये हमारी अजर्शन है। मैं अब बस कोई एग्जांपल नहीं, अब बेटा मैं चल रहा हूं हमारे हैंडआउट के क्वेश्चन पे, जिसमें आपके पास अच्छे अच्छे सवालात लिखे हैं, कहीं और से इधर उधर कंपाइल करें मैं। चले जी ना बेटा, अब हम लोग हमारे हैंडआउट्स पे चलते हैं, और बेटा अब आप चेक करो हैंडआउट में क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिस्क इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा आपको बिजनेस रिस्क नहीं है, प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करना। एंड डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स विच नीड टू बी परफॉर्म इन द अबव केस। बेटा इस केस में दो चीजें हैं, इस केस में दो चीजें हैं। सबसे पहले बेटा मैं रीड कर रहा हूं, द कंपनी हैज अ पॉलिसी to give 1 month time period in which sales can be returned. बेटा sales can be returned. पहली बात तो ये कि बेटा sale on return basis तो sale होती ही नहीं है. Sale on return basis is not the sale anymore. On the full price, it made the sale totaling ₹10,000 to different customers on cash basis 20 December 2018 को. And it can be returned till 20 January 2019. बेटा मेरी बात सुनो, जब कभी भी आप सेल करते हो रिटर्न बेसिस पे, बेटा सेल आप करते हो रिटर्न बेसिस पे, वो सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर कभी भी वापस आके आपको वापस पैसे दे सकता है, यानी कि आपकी तरफ से एक लाइबिलिटी है, यार 20 तारीख तक आ जाओ आपका भाई रिटर्न कर लेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या चीज है, आगे देखो, एट दैट टाइम No sale can be returned. उस वक्त कोई सेल रिटर्न नहीं हो सकती। The reporting year end is 31st December 2018. बेटा अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से लेता चलूं, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से लेता चलूं, क्वेश्चन नंबर 2 हैंडआउट में, तो बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पे बेटा दो मैटर्स हैं। एक तो है आपके पास सेल ऑन रिटर्न, नंबर 2 है बेटा आपके पास फॉरेन परचेजिंग। नंबर 2 क्या बेटा, फॉरेन परचेजिंग, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूं सेल के इशू की। सेल ऑन रिटर्न, बेटा सेल ऑन रिटर्न इज नॉट अ सेल, सेल नहीं है ये। फिर क्या है ये, इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और बेटा रिपोर्टिंग ईयर पे इसकी डबल एंट्री क्या बनती है बेटा, इसकी डबल एंट्री बनती है आपके पास कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। यहां पर बेटा आपके पास लायबिलिटी क्रेडिट होगी, क्या होगी बेटा, लायबिलिटी क्रेडिट, सही है। अब बेटा आगे प्रोसीड करते हैं यहां पर। अच्छा अगर मैं आपको बेटा नॉर्मली बात बताऊं, रिस्क क्या है, रिस्क ये कि आपने इसको इनकम ट्रीट कर दिया है। रिस्क क्या है, इनकम ट्रीट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स है बेटा वो ओवरस्टेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, ओवरस्टेट।
अच्छा बेटा इस केस की बात करते हैं, ये मैं आंसर नहीं लिख रहा, समझा रहा हूँ। आंसर इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर लिख के दूंगा, फास्ट मेरे साथ साथ मेरी स्पीड को कैच करने की कोशिश करो। बेटा इन दिस केस सबसे पहली बात बेटा आप ये चेक करो, हमारा रिपोर्टिंग ईयर क्या है, 31 दिसंबर 2018, और 20 तारीख को ये कारनामा हुआ है, आपके पास ये क्रेडिट सेल्स हुई है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है, आपके पास 31 दिसंबर 2018 को एंट्री पास होगी कैश डेबिट ₹10,000 से, और बेटा लायबिलिटी क्रेडिट ₹10,000 से। तुम इसको अनअर्न इनकम भी कह सकते हो, लायबिलिटी भी कह सकते हो, कुछ भी है। बेटा आपके पास जो रिटर्न ऑप्शन एक्सपायर होगा, रिटर्न ऑप्शन एक्सपायर होगा बेटा, कब एक्सपायर होगा, जनवरी 2019 में। बेटा कौन सी वो है डेट, 21 जनवरी को सेल रिकॉर्ड होगी, क्योंकि 20 जनवरी तक भी रिटर्न का ऑप्शन मौजूद है। तो बेटा सेल रिकॉर्ड होगी यहाँ पे 21 जनवरी 2019, इसका मतलब सेल 2019 की है। अच्छा बेटा यहाँ पर रिस्क क्या है कि रिस्क ऑफ सेल्स रिकॉर्ड इन 2018, बेटा ये आपका कट ऑफ प्रॉब्लम आ गया। क्या आ गया बेटा, मेरा कट ऑफ प्रॉब्लम आ गया, कट ऑफ प्रॉब्लम आ गया। फटाफट ये सारी चीजें नोट डाउन करें, अगर आपको लग रहा है फास्ट है तस्वीर खींचते जाओ, बट मैं रुका हुआ हूं कुछ सेकंड्स। हाँ बेटा ये 20 दिसंबर को होगी ना, मतलब रिपोर्टिंग डेट पे तो यही एंट्री नजर आ रही होगी, कैश तो तुमने 20 दिसंबर को ही रिकॉर्ड किया है, और ये ईयर एंड पे लायबिलिटी है ना। चलो बेटा आप बेटा आगे प्रोसीड करते हैं कि क्या स्टोरी है। बेटा आपने लिखना कैसे, आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे सेल्स ऑन रिटर्न, ठीक है बेटा, आपने लिखा सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, फिर उसके अंदर बेटा आपने सब हेडिंग दी रिस्क इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही बेटा, आप चाहो तो आप IFRS 15 का रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। अब बेटा अब हम मुझे एक बात बताएं, नहीं नहीं अशर उस पे ना जाओ, सिंपल बेटा ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस इज नॉट अ सेल। तो सबसे पहली बात तो बेटा हम यहां लिखेंगे देयर वॉज सेल ऑन रिटर्न बेसिस, एंड इट इज नॉट सेल since risk and rewards are not transferred, it should be accounted for as liability, it should be accounted for as a liability as at 31st December 2018, ठीक है बेटा। और सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए बेटा, सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए 2019 में, एंड सेल टू बी रिकॉर्डेड इन 2019। बेटा रिस्क क्या है, 2018 में आपने इसको सेल रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी वजह से इनकम ओवरस्टेट हो जाएगी। There is a risk of
इमीडिएट सेल रिकॉग्निशन इन 2018 resulting in overstated revenue and understated liability. And what beta understated liability? Liability आपकी क्या हो जाएगी understated? बेटा ये हो गया risk in the financial statement. अब हम इसकी लिखेंगे बेटा audit procedures. Audit procedures. अच्छा बेटा खवातीनों हजरात अब आप मुझे बात बताएं. जब आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, जब आपने ऑडिट प्रोसीजर लिखने हैं, डेढ़ होशियारी मत कीजिएगा, प्रोसीजर मत सोचना, पहले आपने अकाउंटिंग सोचनी है. और अकाउंटिंग बेटा मैंने पीछे उठा के लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं. मुझे एक बात बताओ बेटा, एक एक चीज सोचें. सबसे पहली बात हुआ क्या है, शुरू से सोचें. थिंक राइट फ्रॉम द स्टार्ट बेटा, व्हाट हैपेंड. सर सेल हुई थी रिटर्न बेसिस के ऊपर. मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने सेल की है रिटर्न बेसिस पे, तो मैंने अपने कस्टमर को इनवॉइसेस भी तो इश्यू की होंगी, उस पर डेट लिखी होगी कि रिटर्न कब तक वैलिड है. पहले तो ये कंफर्म करो कि वाकई सेल क्रेडिट पे थी या नहीं थी. तो बेटा अब यहां पे आप क्या करेंगे, ऑप्टेन करोगे. बेटा ऑप्टेन का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना, ठीक है ना. ऑप्टेन द सैंपल ऑफ इनवॉइसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 18. बेटा ये हो गया प्रोसीजर. इनवॉइसेस उठा के क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई सेल ऑन रिटर्न बेसिस. टिल 2019 की जनवरी तक, ठीक है बेटा. पहले तो आपने ये वेरीफाई कर लिया. अब गौर से सुनना तवज्जो के साथ बेटा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, लाजमी लाजमी आप सोचे. अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी थी, पैसा डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट. जो बेटा 10,000 रुपए की अमाउंट आई है, क्या वो कैश बुक में आनी चाहिए, हाँ या ना का जवाब दें चैट बॉक्स पे. क्या वो 10,000 की कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए, हाँ या ना. जी बेटा 10,000 की कैश बुक में होनी चाहिए ना. देखो ना बेटा एंट्री बनी तो थी, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट. तो इसका मतलब बेटा, हाँ ना बेटा, कैश में तो एंट्री बननी चाहिए ना, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट दिसंबर में, क्योंकि हम तो 2018 की ऑडिट कर रहे हैं. तो बेटा जो अमाउंट आप 10,000 रुपए आ चुके हैं, वो कैश बुक में चेक कर लोगे बेटा. इंस्पेक्ट द कैश बुक. Of December 2018 to agree. बेटा करेक्ट अकाउंटिंग सोचे, करेक्ट अकाउंटिंग, करेक्ट अकाउंटिंग को चेस करने की कोशिश करें, ऑडिट अपने आप हो जाएगा. मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, सबसे बहुत काम की चीज है, जब भी बेटा आप लोग प्रोसीजर लिखते हो ना, सुनो जरा, प्रोसीजर लिखोगे ना बेटा, आप एक काम करो, थिंक एंड फॉलो या चेज करें अकाउंटिंग को. बिलीव मी, अकाउंटिंग को दिमाग से सोचो, प्रोसीजर दिल से आपके निकलेंगे. आपने अकाउंटिंग सोचनी है, प्रोसीजर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. आपने चेज करना है यार अकाउंटिंग को और assertions को. ये तरीका भी जरा जल्दी से कर ले, प्रोसीजर मैं अगले पेज पे ले आता हूं. चले जी. अच्छा अब बेटा आपने क्या काम किया, इंस्पेक्ट द कैश बुक ऑफ दिसंबर 18. कुछ बच्चों ने नो लिखा था, बेटा मेरी बात सुनो, आपने डबल एंट्री तो सोचनी है. जब कैश वो हुआ था, कैश डेबिट हुआ था, लायबिलिटी क्रेडिट हुई थी,
ये चीजें तो चेक करनी है ना आपने। तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताएं, कम से कम तीन चार प्रोसीजर लाजमी लिखने बेटा, तीन चार प्रोसीजर आपने लाजमी लिखने हैं। इंस्पेक्ट द कैश बुक ऑफ दिसंबर 2018 वाई टू एग्री बेटा, मेक श्योर करने के लिए टू एग्री द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, या डायरेक्ट बेटा आप अमाउंट रुपीज 10,000 भी लिख सकते हो, वो भी कर सकते हैं कंफर्मेशन फिलहाल, लेकिन फिलहाल हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे। अच्छा बेटा दूसरी बात, इसकी एक काउंटर एंट्री देखो, डबल एंट्री डबल प्रोसीजर दो नंबर। अब आप बेटा काम ये करेंगे, आप दिसंबर 2018 की लाइबिलिटी शेड्यूल उठा लेंगे, लाइबिलिटी शेड्यूल बेटा वो एज अ करंट लाइबिलिटी आनी चाहिए, करंट लाइबिलिटी तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। बेटा मैं क्या करूंगा, ऑब्टेन द लाइबिलिटी शेड्यूल, ऑब्टेन द लाइबिलिटी शेड्यूल एज एट सही है एज एट 31 दिसंबर 2018। बेटा टू एनश्योर, क्या मकसद है आपके ये करने का, क्यों किया आपने, क्या वजह है, टू एनश्योर के 10,000 रुपए इज रिकॉर्डेड एज करंट लाइबिलिटी, टू इंश्योर दैट इज अकाउंटेड फॉर एज करंट लाइबिलिटी। और ये जो अकाउंटेड फॉर एज करंट लाइबिलिटी बेटा, ये क्लासिफिकेशन को शो करती है, किसको शो कर रही है मेरा बेटा, क्लासिफिकेशन को शो कर रही है, लाइबिलिटी शेड्यूल आ गई। अब बेटा एक और चीज लिखा हुआ नहीं है, अज्यूम करना चाहो कर सकते हो, अगर इस पीरियड में कोई सामान वाकई में रिटर्न हुआ है तो एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश वापस दे दूंगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा और लाइबिलिटी मेरी फिर खत्म हो जाएगी। अगर बेटा सामान कोई रिटर्न होता है तो कस्टमर आपको भेजता है बेटा डेबिट नोट और आप भेजते हो बदले में क्रेडिट नोट, आप बदले में क्या भेजते हो बेटा, क्रेडिट नोट भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, क्रेडिट नोट। अगर सामान रिटर्न होता है तो कस्टमर डेबिट नोट भेजता है और हम क्रेडिट नोट भेजते हैं बेटा। अगर ये भी साथ साथ ही लिख लो बेटा, जब कभी भी गुड्स रिटर्न करते हैं कस्टमर भेजता है बेटा डेबिट नोट, सप्लायर भेजता है बेटा क्रेडिट नोट। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ एनी गुड्स वॉज रिटर्न तो बेटा आप इसके ना सब प्रोसीजर बना लो, रिव्यू डेबिट एंड क्रेडिट नोट, रिव्यू डेबिट नोट ऑफ कस्टमर्स, एंड क्रेडिट नोट सेंट। अच्छा बेटा उसी अमाउंट से जी बेटा दोनों चेक करेंगे, यानी कि कस्टमर ने मुझे डेबिट नोट भेजा होगा और मैंने उसको क्रेडिट नोट भेजा होगा, सही है, तो उसी अमाउंट से उस पर आपको अमाउंट भी पता चल जाएगी और उसी अमाउंट से कैश कम होना चाहिए। एग्री द रिडक्शन इन कैश फ्रॉम कैश बुक एंड ऑल्सो रिडक्शन इन लाइबिलिटी। बेटा ये भी आप इसमें कहानी कर सकते हैं, अगर कोई सामान रिटर्न वाकई हुआ है तो बस एक दो प्रोसीजर और फिर मैं अगले स्टेप पे चलूंगा। जल्दी जल्दी बेटा मिनट वाली कहानी लगाओ, मिनट वाली कहानी, टाइम नहीं है।
आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो क्या कर सकते हैं बेटा। ये बहुत सारे कस्टमर्स थे ना, तो आप इसका रीटोटल कर सकते हो कैश बुक में से, अगर कोई रिटर्न नहीं हुआ है तो बेटा रीकास्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी बेटा? मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो बेटा आप कर सकते हो रीटोटल द, रीटोटल कर सकते हो बेटा द कैश बुक एंड एनी रिटर्न्ड गुड्स टू चेक एक्यूरेसी। बेटा अब आप पढ़ लेना, रीड द नोट्स। बेटा रिकैलकुलेट, रिकैलकुलेट का मतलब होता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेना, और रीड द नोट्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सेल्स ऑन रिटर्न। सही बेटा? बेटा लाइबिलिटी शेड्यूल होता है ओसामा। अच्छा ये हुआ आपके पास किस चीज की कहानी हुई है, ये आपके पास कहानी हुई है फॉर द रिकैलकुलेशन। बेटा एक चीज मैं बताऊं, ये आपके पास डिस्क्लोजर वाला पॉइंट और ये एक्यूरेसी वाला पॉइंट, आप ये लाजमी लिख लिया करो एट द एंड ना, क्योंकि जब सारी चीजें चेक कर लेते हैं तो हम उनका एक टोटल भी चेक कर लेंगे, और डिस्क्लोजर तो अकाउंटिंग का होता ही है हर एक चीज का। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सबसे पहला केस बता दिया बेटा, किसका? सेल ऑन रिटर्न बेसिस का। अच्छा दूसरा मसला है यहाँ पे फॉरेन करेंसी का, दूसरा मैटर आ रहा है। जी जी कमांडो प्रोसीजर्स। जी दूसरा मसला आ रहा है यहाँ पे आपके पास फॉरेन करेंसी का। अच्छा बेटा फॉरेन करेंसी में आपके पास लगता है IS-21, ठीक है ना? फॉरेन करेंसी में IS-21 लगता है बेटा। इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास रिसीवेबल है या पेबल है, बेटा रिसीवेबल है या पेबल है, बेटा अकाउंटिंग की दो चीजें होती है ना, एक होती है इनिशियल एंट्री और एक होती है आपके पास सब्सिक्वेंट एंट्री। तो बेटा इसकी जो आपके पास इनिशियल एंट्री है, आप इसको बेटा मेजर करते हो एट स्पॉट रेट। कौन से रेट पे बेटा करते हैं? एट स्पॉट रेट, ठीक है। स्पॉट रेट का मतलब होता है रेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और बेटा जो इसकी सब्सिक्वेंट होती है एंट्री, सब्सिक्वेंट एंट्री मतलब एट ईयर एंड, वो होती है आपके पास क्लोजिंग रेट पर, क्लोजिंग रेट में। सही है बेटा? और जब आपके पास क्लोजिंग रेट में, और बेटा पता है एक चीज होती है, आप जब भी खरीदो फरोख करोगे तो डॉलर का रेट ऊपर नीचे तो होगा। ठीक है बेटा? जब कभी भी आपके पास वो चीजें होंगी, क्या कहते हैं, तो बेटा इसमें एक्सचेंज गेन या लॉस आता है। डॉलर का रेट कभी सस्ता महंगा हो सकता है, तो बेटा एक्सचेंज गेन या लॉस बेटा ये जाता है पीएनएल में। कहा जाता है बेटा? पीएनएल में। मैंने नॉर्मल सी बात की है, मैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम की डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर जा रहा हूं. इनिशियल एंट्री बनती है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन।
एक्सचेंज गेन लॉस बेटा कहाँ जाता है, पीएनएल में जाके रिपोर्ट हो जाता है, सही है। चलो जी अब बेटा यहाँ पर आते हैं, हमारे पास इस केस में क्या चक्कर चल रहा है ना बेटा, नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस केस। अच्छा बेटा यहाँ पर आपके पास दूसरी चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन एडिशन द कंपनी हैड परचेज 500 यूनिट्स इन दिसंबर फ्रॉम द सप्लायर इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज AED ₹40। बेटा एक AED ₹40 का था उस वक्त जब आपने खरीदा था, एंड हैज टू पे इन AED, बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड इन PKR। क्लोजिंग रेट 41.5 था पर AED और एवरेज रेट कितना था, ₹42 पर AED। बेटा एवरेज रेट क्या होता है, साल में कभी 40, 41, 43, 44, 45, 46, 38, 39, पूरे साल का एवरेज रेट कितना है बेटा, 42, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब जब आप कभी भी अपनी करेंसी को ट्रांसलेट करोगे बेटा, ये जरा एंट्रीज याद, ये अमाउंट्स याद रखिएगा, तो ट्रांसलेट करने में एक्सचेंज गेन या लॉस तो आएगा। अब आप ये चेक करो, 500 यूनिट जब आपने खरीदे थे, जब आपने 500 यूनिट्स खरीदे थे उस वक्त रेट कितना था बेटा, ₹40। मैं जा रहा हूं यहां पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बताने के लिए, बेटा जब आपने परचेस किया था दिसंबर में, तो बेटा उस वक्त एक AED था आपके पास ₹40, ठीक है बेटा ₹40। जी जी, तो बेटा आपने एंट्री क्या बनाई थी, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट, 500 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि ₹20,000 की, ठीक है बेटा। ये थी आपकी इनिशियल एंट्री, ये थी बेटा आपकी इनिशियल एंट्री। अब आगे चेक करो बेटा, आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है, आप मुझे एक बात बताएं, यहां पर क्या था क्लोजिंग रेट क्या था, 41.5, यानी कि 31 दिसंबर पे महंगा हो गया धर्म, ठीक है। अब आप बेटा मुझे एक बात बताओ, रिपोर्टिंग डेट पे क्या कहानी चल रही है बेटा, एट 31 दिसंबर 2018 जब आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे लेंगे क्लोजिंग रेट, मैं नहीं कह रहा बेटा, IAS 21 कहता है। अब बेटा अब आप पता है क्या बोलोगे, नॉर्मल बात करते हैं, अब यार ₹40 का रेट था, 41.5 का हो गया, अब ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बेटा पेबल कितना हो जाएगा, ₹21,20,750। परचेजेस बेटा आपकी ओरिजिनल ही रहेंगी, यार मैंने तो इतने का खरीदा था, 20,000 का। अब बेटा जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका एक्सचेंज लॉस है, बेटा ये आपके पास बन जाएगी डबल एंट्री, ठीक है, और ये चला जाएगा चुपचाप पीएनएल में। अब बेटा यहाँ पर रिस्क क्या है, यहाँ पे रिस्क ये है कि आपने एवरेज रेट ले लिया जिसकी वजह से ईयर एंड पेबल की फिगर ऊपर नीचे बढ़ जाएगी, या फिर बेटा आपने हो सकता है, बेटा यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि आपने वो एवरेज रेट ले लिया है, या फिर नॉट रीमेजर ही नहीं किया, आपने इसको रीमेजर ही नहीं किया बेटा, एज अ रिजल्ट जो आपके पेएबल है वो ओवर या अंडर स्टेट हो सकते हैं, या तो आपने रीमेजर नहीं किया एट रिपोर्टिंग डेट, या आपने एवरेज रेट यूज कर लिया जिसकी वजह से पेएबल ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फॉरेन करेंसी में, फॉरेन ट्रांजेक्शन बेटा, परचेजेस was from United Arab Emirates and that payable should be
initially recorded at spot rate IS-21, याद आ रहा हो तो लिखना, नहीं याद आ रहा हो तो प्लीज ना लिखना, लेकिन ट्रीटमेंट लिखना. And at SFP date, it should be at closing rate with any exchange gain or loss to be reported in P&L. There is a risk of not remeasurement or using average rate. As a result, year end payable can be overstated, understated. Sahi hai beta. Procedures. अब बेटा अब हम इसके लिखने जा रहे हैं प्रोसीजर. सबसे पहली बात तो ये है बेटा, सबसे पहली बात तो ये, अब आप इसके प्रोसीजर क्या करेंगे. जब कभी भी बेटा आप परचेजिंग करते हो ना किसी फॉरेन कंट्री से, तो आपको बेटा बैंक में एक एलसी ओपन होती है. एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट. एलसी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि देखो मेरा अकाउंट है यहाँ के मिजान बैंक में, सही है, और सामने वाले का अकाउंट था दुबई में, बैंक ऑफ दुबई में, फॉर एग्जाम्पल की बात है. तो मैंने पेमेंट करनी है, मेरा बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिखेगा कि यार हारिस सनीफ के बिहाफ पे मैं लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा हूँ कि हारिस सनीफ आपको पेमेंट दे देंगे, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराने नहीं यूज करना. वो ये बोलेंगे कि यार हमारा जो बैंक है वो उसके बैंक में पेमेंट पहुंचा देगा, ठीक है. यानी कि बैंक एक तरह से हमारी जो है वो गारंटी टाइप लेने की कोशिश कर रहा है. क्या करने की कोशिश हो रहा है बेटा, गारंटी टाइप. अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट चला जाएगा उसको, तो ये ट्रांजेक्शन की एक रूल होता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. अच्छा बेटा, वो अगर आपको चेक करना है तो चेक कर ले, नहीं करना तो ना करें, जाने दे, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है. लेकिन बेटा सबसे पहली बात ये है, आपने इनकी एंट्रीज पर आना है. किस पर आना है? एंट्रीज पे बेटा. जब पहले तो आप एक काम ये करो ना, मैंने परचेजेस की है तो मैंने पीओ भेजा होगा, सामने वाले से इनवॉइस आई होगी टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन के परचेजेस हुई भी थी या नहीं हुई थी. बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट द सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर सेंट एंड द इनवॉइसेस रिसीव्ड. To verify the occurrence of purchases, खरीदारी हुई भी थी या नहीं हुई थी, ठीक है बेटा. अब आपने एक चीज नोटिस किया, देखो ये एंट्री है ना मेरी, इसमें पीएनएल भी है, बैलेंस शीट भी है, परचेज और पेबल, पीएनएल भी है, बैलेंस शीट भी है. तो जहां जहां जो समझ आएगा वो हम लोग उसमें लेते जाएंगे. अच्छा बेटा, अकरेंस ऑफ परचेजेस, ठीक है. सबसे पहले तो बेटा आप ये चेक कर ले. यार एक काम करते हैं हम लोग जो है ना बेटा, जीडीएन क्यों इंस्पेक्ट करेंगे लड़के. बेटा जीडीएन, हाँ जीआरएन बोलो ना, ठीक है ठीक है, ओके. चलो बेटा अब एक और चीज सुनो, जीआरएन की जरूरत नहीं, बस सामान आ गया है, आ गया, दैट्स ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जाओ बेटा. एक काम करते हैं, गवर्नमेंट के या किसी जो होता है ना, आप गूगल पे सर्च करोगे एक्सचेंज रेट ऑफ दुबई, यूएई और पाकिस्तान, तो उसकी पूरी एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आ जाएगी बेटा. मेक श्योर करने के लिए, हम मेक श्योर करने के लिए इन रेट्स को वेरीफाई कर लें. सबसे पहले दिसंबर में जिस वक्त खरीदा था उस वक्त 40 का रेट था और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यही था. तो बेटा जो भी आपकी गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आती है फ्रॉम द अथॉरिटीज, उसको वेरीफाई कर लेंगे. तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक नजर जरा देख लेंगे उसको, अंदर हमने घुस के नहीं पढ़ना उसमें,
हमने सिर्फ रिव्यू कर लेना, हाँ भाई इतना ही रेट है, तो इसलिए हम रिव्यू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा रिव्यू द एक्सचेंज रेट्स स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, अच्छा बेटा यहां पर मैंने अमाउंट से रिलेट नहीं किया, आप चाहे तो आप अमाउंट की कैलकुलेशन बता सकते हो। रिव्यू द एक्सचेंज रेट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज लिख ले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। टू वेरीफाई द स्पॉट क्लोजिंग और एवरेज रेट्स। अब आप चाहो तो बेटा स्पॉट के बराबर में 40, उसके बराबर में 41.5, उसके बराबर में 42 लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह लिखा जाता है, अगर आप अपने सजेस्टेड सॉल्यूशन में देखें तो इसी तरह लाइक दैट पे वो लोग लिखा करते हैं। अच्छा अब बेटा इनिशियल एंट्री पे आ जाओ, मैं आपके बाप बताऊं इनिशियल एंट्री पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप एंट्री देखोगे एक नजर और आप बेटा आपने डायरेक्ट जो है ना इधर अटैक करना है, क्योंकि आप ईयर एंड को ऑडिट कर रहे हो। किसको ऑडिट करो बेटा? ईयर एंड को। लेकिन स्टिल स्टिल जो पेबल्स है ना बेटा, नहीं ये नहीं लिखोगे टू एंश्योर करेक्टनेस ऑफ रेट्स। मैं बात कर रहा हूं अभी यहां पर, आपने उस रेट्स के नाम लिखने क्लोजिंग या एवरेज जो भी है। बेटा अब हमें काम ये करेंगे के टेबल्स रिकॉर्ड उठा लेंगे ईयर एंड का, मेक श्योर करने के लिए कि ये रीमेजर्ड हुआ हुआ है एंड इट शुड बी वैल्यूड एट 41.5। बेटा हम लोग क्या काम करेंगे, पहले ऑब्टेन द लाइबिलिटी शेड्यूल। एज एट 31 दिसंबर 2018 बेटा क्या इंश्योर करने के लिए, टू एग्री इट वॉज रीमेजर्ड एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। लिखना चाहो तो लिख दो ₹41.5, नहीं लिखना ना लिखो। अच्छा बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक्सचेंज लॉस कितने रुपए का आया है? बेटा एक्सचेंज लॉस कितने रुपए का आया है? अगर मैं आपको वैसे ही बात पूछूं तो एक्सचेंज लॉस कितने रुपए का आया है? 1.5 रुपए का। हाँ 40 का रेट था, बैलेंस शीट रेट पे 41.5 का हो गया, तो बेटा 1.5 रुपए का एक्सचेंज लॉस आया है मल्टीप्लाई बाय 500, यही है ना 1.5 रुपए का। तो बेटा प्रोसीजर लिखने का अंदाज समझे, प्रोसीजर लिखने का अंदाज, मैं स्पॉट रेट और क्लोजिंग रेट का जो डिफरेंस आ रहा है उस अमाउंट से, अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है बेटा, अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है, ट्रीटमेंट बताना जरूरी है कि स्पॉट रेट और क्लोजिंग रेट का जो डिफरेंस है उस अमाउंट से इनकम स्टेटमेंट में एक्सचेंज लॉस रिपोर्ट होना चाहिए। सही है? तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जरा देखना, टेक द डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट, टेक द डिफरेंस ऑफ स्पॉट रेट एंड क्लोजिंग रेट, और बेटा एग्री करेंगे एक्सचेंज लॉस इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है बेटा ये काम आप उठा के चेक कर लोगे। बेटा परचेजेस कितने पर रहेंगी,
परचेजेस कितने रेट पर रहेंगी बेटा ये मुझे बताओगे, ओरिजिनल परचेजेस कितने रेट्स पर रहेंगी? रेट 40 रुपए पे ना, ये किधर से चेक करोगे? सीओजीएस से उठा के, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग बेटा परचेजिंग। तो रिव्यू द एक्सट्रैक्ट ऑफ सीओजीएस एंड एग्री परचेजेस एट स्पॉट रेट, ठीक है बेटा, एग्री परचेजेस एट स्पॉट रेट। स्पॉट रेट पे बेटा आप चेक कर लोगे आपकी परचेजेस वगैरह कितनी है, मेक श्योर यही तो करना है, यही तो प्रोसीजर्स है। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, आपने 3 नंबर मुफ्त के कैसे उठाए, ये चेक करा सीओजीएस से, ये चेक करा नीचे एक्सपेंसेस में, ये चेक करा तुमने लाइब्रेरी में, 3 प्रोसीजर तो वैसे ही हो गए, 3 नंबर मुफ्त के, ज्यादा से ज्यादा 5-6 लिखने होते हैं प्रोसीजर एक केस के ऊपर। और फिर तुमने ये जीआरएन पीओ और रिपोर्ट्स वगैरह चेक किए हैं तो ये तुम्हें पता चल जाता है, सही है ना? तो बेटा आप इसका रिकास्ट द एक्सचेंज द ट्रांसलेशन ऑफ करेंसी द ट्रांसलेशन ऑफ पेबल्स टू वेरीफाई एक्यूरेसी। बेटा एक्यूरेसी ऑफ फिगर आपको पता चल जाएगी खुद अपने हाथों से ये रिकैलकुलेट करके। और बेटा अब आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू नोट्स टू द अकाउंट्स, कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ IS-21। आई होप बेटा आपको कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो हौसला मिल रहा होगा, 100% नहीं कुछ। चलो बेटा ये हुआ आपके पास कहानी ना, अब आगे प्रोसीड करते हैं बेटा टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है चलो जी दैट्स गुड बेटा, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब बेटा अब आप चीजें चेक करें क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर, यस डायरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर आ गया, टू बी परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव केस। बेटा अब जरा केस चेक करो क्या लिखा हुआ है, द बीओडी ऑफ एबीसी लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू अंडरटेक द रीस्ट्रक्चरिंग व्हिच इन्वॉल्व्स क्लोजिंग डाउन सम ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड डिस्पोजिंग सम सरप्लस एसेट्स, रीट्रेनिंग सम एग्जिस्टिंग स्टाफ। बेटा दिस इज द केस स्टडी ऑफ ACCA पेपर, ACCA के एक अटेम्प्ट का था, वो मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाएगा। अच्छा कुछ एग्जिस्टिंग स्टाफ को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आगे बोर्ड ने, बोर्ड मीटिंग थी बेटा 15 दिसंबर 2020 को, द टोटल अमाउंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग वॉज ₹0.85 मिलियन था बेटा, और बीओडी ने चाहती है कि इसका प्रोविजन बनाए 31 दिसंबर 2020 को, ये प्रोविजन बनाना चाह रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे टोटल मिला के लग रहा है IS-37, क्या लग रहा है बेटा IS-37। अच्छा अब बेटा अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि IS-37 क्या कहता है बेटा, IS-37 बल्कि आप एक हेडिंग देना बेटा रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा इसको खत्म करना, मिक्सचर मत करना, सही है बेटा। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग का बेटा बनता है प्रोविजन, और मैं नहीं कहता बेटा, ये कहता है IS-37 कि आपने प्रोविजन बनाना लाजमी है, ठीक है ना। और बेटा
रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है ऑफिस में कुछ चेंजेस लेकर आना बेटा, इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। दिस इज नॉट ग्रैंड मदर्स होम, नानी अम्मी का घर नहीं है। आपको क्या करना है, IAS 37 की कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। सबसे पहली बात बेटा, BOD का पक्का फैसला होना चाहिए, पक्का फैसला। ये नहीं कि रात को आप फैसला करें, सुबह को आप चौरंगी से दोबारा घूम के आ जाए और फैसला रिवर्ट कर दें, नो। तो बेटा बीओडी की फुल कमिटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, फुल कमिटमेंट होनी चाहिए बेटा बिफोर ईयर एंड। दूसरी बात बेटा, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो इंप्लॉयज सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। कौन अफेक्ट होते हैं? इंप्लॉयज। तो आपको चाहिए कि इंप्लॉयज को कम्युनिकेट कर दो, बिफोर ईयर एंड। उसके बाद बेटा आप क्या कर सकते हैं बेटा, अब इसके बाद बिफोर ईयर एंड एम्प्लॉयज की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छा बेटा, एक्टिव स्टेप्स होने चाहिए। मतलब दिखने से लगे हाँ भाई रीस्ट्रक्चर हो रहा है, काम चल रहा है, डिसमेंटलिंग हो रही है, ठीक है ना बेटा। एक्टिव स्टेप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि आपने कोई सेलिंग प्राइस कोट की हुई है टू सेल NCA, कुछ NCA वगैरह बेचने के लिए आपने सेलिंग प्राइस कोट कर दी है बेटा। अमाउंट रिलायबल एस्टीमेट होनी चाहिए, अमाउंट रिलायबल एस्टीमेट होनी चाहिए बेटा। और उस अमाउंट का ताल्लुक प्योर रीस्ट्रक्चर से होना चाहिए, प्योर रीस्ट्रक्चरिंग से होना चाहिए। प्योर रीस्ट्रक्चरिंग से होना चाहिए, ठीक है बेटा। और जिसमें ट्रेनिंग कॉस्ट नॉट अलाउड, ट्रेनिंग कॉस्ट का बेटा प्रोविजन नहीं बनता बेटा। इस केस में गोल्डन हैंडशेक का जिक्र नहीं है, सो विल नॉट बी अज्यूम दैट। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। रीस्ट्रक्चरिंग बेटा, सवाल पे आप आ जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। 0.85 मिलियन है। अब इसमें बेटा कहानी क्या चल रही है, IAS 37 है, तो आपको पूरे के पूरे इस, ये जो मैंने 5 कंडीशंस लिख के दिए ना बेटा आपको, ये 4-5 कंडीशंस, ये आपको जहन में होनी चाहिए कि यार IAS 37 की ये कंडीशन है, हमारे जहन में होनी चाहिए, इसको फॉलो करना है, इसको चेस करना है, क्या ये पूरी अकाउंटिंग सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, सही है। बेटा अब आप मुझे एक बात बताएं, रीस्ट्रक्चरिंग करने की बोर्ड की कमिटमेंट थी, कैसे चेक करोगे आप? चेक करोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग के मिनट्स चेक करेंगे, उनके प्लान्स नहीं। हाँ, प्लान्स मतलब जिस जिस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया था उस मीटिंग के मिनट्स चेक कर लेंगे बेटा। यही तो चेक करना है, अकाउंटिंग के अंदर जाके उसको घुस के जाके चेक करना है, एक एक बारीकी के साथ चीजें चेक करनी है। तो बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, इंस्पेक्ट एंड रीड द मिनट्स। Of BOD meetings to agree, बेटा agree का लफ्ज यूज करेंगे because you want to make sure, आप make sure ये करोगे बेटा कि ये जो meeting के फैसले थे ये before the year end हुए, to agree the decision was before year end।
ईयर एंड का नाम लिखना लिख सकते हो बेटा। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन चेक करो बेटा, इम्प्लॉय को कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अभी आप इम्प्लॉय से इंक्वायरी नहीं करना, मैं हमेशा मना करता हूँ। एक इम्प्लॉय वैसे ही उसको हम बोल रहे यार खुदाफिस परसों से नहीं आना, आप उसको जुला के पूछ लो भाईजान आपको फर्क कर रहे हैं, कितना बुरा लगेगा। आप इम्प्लॉय से हुई हुई कम्युनिकेशन की रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करोगे। मैंने नहीं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन हमने मिनट्स देख लिए, इट्स इनफ। बेटा अब हम क्या करेंगे, इम्प्लॉयज को आपने कुछ सर्कुलर इशू किया था, कोई ईमेल भेजी थी, कोई नोटिस बोर्ड पे लगाया था, तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू द कॉरेस्पॉन्डेंस और एनी नोटिस इशू टू स्टाफ टू कंफर्म रीस्ट्रक्चरिंग डिसीजन वॉज कम्युनिकेटेड टू देम बिफोर द ईयर एंड। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने अपने स्टाफ को बता दिया था। कैसे बताया था भाई, वर्बली तो नहीं बताया होगा, ऑफिस में हमारे काम रिटन में होना चाहिए, कोई ईमेल, कोई नोटिस, कुछ ना कुछ बेटा आपने किया होगा, तो वो आपने उठा करके उसको चेक करवा लेना है। चले जी। अच्छा बेटा अब ये है कि मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं, एक्टिव स्टेप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि यार अगर मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं तो ये फैक्ट्री क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्लोजिंग डाउन सम ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स। अब जब ये बंद करेंगे तो उसके 10 AC मशीनें, इसको कहीं ना कहीं सेल करने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट लगाई होगी, कहीं फेसबुक पे, कहीं अखबार में, कहीं कुछ ना कुछ इश्तेहार दिया होगा। इसको कहते हैं आपने एक्टिव स्टेप्स लिया काम करने के लिए, क्या आखिर हो क्या रहा है, हम ये भी चेक कर लेंगे। जी उसमें वो तो लास्ट रिजॉर्ट में लेंगे जो तुमने बोला अभी, तो क्या करेंगे, रिव्यू एनी मार्केटिंग टू सेल NCA एंड कंफर्म एक्टिव स्टेप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का बेटा एक्टिव स्टेप्स जो है ना उसको हम कंफर्म करने के लिए ये चीजें चेक कर रहे हैं, करोगे। अच्छा जी बेटा एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये 0.85 का ना बेटा, 0.85 का नहीं, नहीं बेटा वो जरूरत नहीं है। अब बेटा ये जो 0.85 है ना, इसका ब्रेकअप चेक करेंगे, इसमें ट्रेनिंग का खर्चा नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है, क्योंकि ट्रेनिंग का और वो ही खर्चा हो जो सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेट करता है। ये ट्रेनिंग का जिक्र हुआ है ना केस में, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए इसमें, ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहां पे क्या काम करेंगे, हम लोग एक काम ये करते हैं, ऑब्टेन द ब्रेकडाउन ऑफ रुपीज 0.85 मिलियन टू एग्री नो ट्रेनिंग कॉस्ट
वॉज इंक्लूडेड एंड ओनली अमाउंट्स रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है बेटा, एक और बात बताऊं, ये प्रोविजन की अमाउंट हमेशा एस्टिमेट होती है. और बेटा अगर कभी भी नोट करके मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इफ एनी एस्टिमेटेड फिगर हमेशा डिस्कस करो व्हाई, मतलब रीजनेबल बेसिस. तो बेटा ये जो 0.85 मिलियन की अमाउंट का प्रोविजन है, ये प्रोविजन क्या सोच के बनाया आपने मैनेजमेंट से, वो आपको बताएगी कि देखें सर हमारे यहाँ इतने बंदे काम करते हैं, उनकी सैलरियां इतनी है, मल्टीप्लाई करें तो ये और वो आपको बेटा अपनी रीजनेबल बेसिस जस्टिफिकेशंस बताएंगी. ठीक है, रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशन, गुड. तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस विद द मैनेजमेंट. Of the assumptions of rupees 0.85 million to ensure it is reasonable. अच्छा बेटा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने, आप लोग को रिटन रिप्रेजेंटेशन तो पता ही होगी, मैं बच्चों को कैसे समझाता हूँ सुनो. अदालत में जज क्या कहता है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, सबूत क्या है जो हमें मिल गए, गवाही क्या है, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखवा लेना. सही है, सबूत वो है जो मुझे मिल गए ये सारे. अब एक होता है ना रिटन रिप्रेजेंटेशन, बेटा रिटन रिप्रेजेंटेशन बाकी सबूतों को पक्का कर देता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन बाकी सबूतों को पक्का कर देता है सीमेंट लगा के. तो आपको सबूत तो मिल गए, उन सबूतों के ऊपर मैनेजमेंट की गवाही भी चाहिए राइटिंग में कि ये तमाम सबूत सही है. Obtain written representation बेटा, written correspondence तो वो होती है ना किसी के साथ communication होना, जैसे मैंने एक बंदे को email भेजी फिर उसने जवाब दिया, हमारी चिट चैट, इसको written correspondence कहते हैं. written representation ये होती है कि management से हम लिखवा के sign करा लेते कि ये सबूत ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. रिटन रिप्रेजेंटेशन वही है जिस तरह पुलिस आपका बयान रिकॉर्ड करती है, बयान रिकॉर्ड कराना. ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट कंफर्मिंग. बेटा क्या कंफर्म कराना चाहते हो, बेसिस ऑफ अजम्पशन आर रिलायबल, प्रोविजन इज कंप्लीट, प्रोविजन इज कंप्लीट, कंप्लीटली रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड. ठीक है बेटा, और बेटा आप क्या मेक श्योर कराना चाहते हैं कि इट वॉज अ बोर्ड डिसीशन, बस दो तीन बातें लिख के बहुत है. और बेटा लास्ट में हम लोग, बेटा प्रोविजन का डिस्क्लोजर भी तो बनेगा, एग्री द कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन इन नोट्स एज पर IS 37. ये एक लिखने का अंदाज हुआ आपके पास. आई समझ में बात बेटा, थोड़ा बहुत, पूरी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, पूरी की तो बात ही नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत बेटा आप लोगों को तसल्ली हुई सब्सटेंटिव लिखने के लिए,
इट्स एन इंटरनेशनल इशू सब्सटेंटिव लिखना, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ सब्सटेंटिव लिखने में उसको प्रॉब्लम होती है जो डायरेक्ट ऑडिट करने की कोशिश करता है। यार थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपने सिर्फ अकाउंटिंग सोचते यार ये अकाउंटिंग हुई होगी, उसको आपने जरा दिल से जाके चेक करना है। समझ आ रही है बात बेटा? आई नीड योर रिस्पॉन्स बेटा। थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया या रिकॉल हुआ, समझ में क्या है? पूरा कोर्स तो पढ़ लिया है, इट्स अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ अ वर्कशॉप। जी अच्छा जी अच्छा। दूसरी बात बेटा कहने की है कि ये वर्कशॉप आज एंड नहीं है, दो दो दिन की रखी है। हाँ अब मेरी कोशिश ये होगी बेटा, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मेरी कोशिश ये कि अगली क्लास में हम ये पूरा हैंड आउट कर लें, खत्म कर लें सब्सटेंटिव का। मैं हैंड आउट आप लोगों को मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, हैंड आउट बेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है ना वो सेंड कर चुका हूँ। आप सबके पास बेटा हैंड आउट मौजूद है बेटा। अब अगली क्लास में जरा देखना, हो सकता है इसके प्रोसीजर में पहले से लिख के बैठा हुआ हूँ अगली क्लास में। और ये देखो बेटा ये सवाल, ये ACC का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, चार सवाल वहां से, उसके बाद ये तुम्हारा CA का ही सवाल है। जी जी अच्छा। दूसरी बात बेटा ये देखो, सितंबर 2018 का सवाल है, 19, 18, 19, 20 बेटा मैंने ये रिसेंट, ये देखो कितना जबरदस्त भयानक किस्म का सवाल है ये। इंशाल्लाह ताला कल सही से, परसों की क्लास में बेटा सही से आप लोग जो है ना वो खाना वाना खा के बैठना, ताकि आपको ये बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट करनी है बेटा। आप सब लोगों को वर्कशॉप के बारे में पता है ना कि अब संडे को है 9:30 बजे, ऑल ऑफ यू बेटा जरा मुझे बता दें चैट बॉक्स में। जी तो बेटा आप लोग जो जो बच्चे जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है अपने ग्रुप में रहिएगा, मैं वहां पे संडे की क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा संडे को 9:30 बजे। बस एक मेहरबानी करना आप बच्चे, एक मेहरबानी, और वो मेहरबानी ये है आने से पहले ये जितना कुछ आप लोगों ने रजिस्टर में नोट डाउन किया उसको बेटा रिपीट जरूर करके बैठिएगा संडे को 9:30 बजे, ठीक है? आपको अपने और लोगों को भी बताना है, फ्रेंड्स को बता दें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको फॉरवर्ड करना है कर दीजिएगा। सब्सटेंटिव रिस्क यही चल रहा है संडे को, ठीक है? अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।